आसमान में उठता सफेद धुआं, धमाके से आसपास की दुकानों के टूटे शीशे। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार की हैं, जहां सुबह के 7:40 पर सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास अचानक विस्फोट हुआ। कुछ देर के लिए सफेद धुएं के गुबार ने सब कुछ ढक दिया। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे मौके से सफेद पाउडर, सेल और तार बरामद मिला। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि धमाके के पीछे वजह क्या थी। जो एनएसओ की टीम है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है, इसके अलावा एनआईए जैसे तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की टीम जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है और एविडेंसेस सबूत जो है वो इकट्ठा करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीम ब्लास्ट वाली जगह से जले हुए बारूद के कण जुटा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एनआईए को जांच सौंपी गई है, तो वहीं गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.